उस सरकार पर जनता क्यों और कैसे भरोसा करे जो यह मानने में 20 दिन लगा दिए कि हां रीट परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। राजस्थान सरकार देर आई है मगर अब भी दुरुस्त नहीं आई है। पहली बार राजस्थान सरकार के सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में कहा हां हुजूर कुछ जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं हुई है मगर उसकी वजह से पेपर रद्द नहीं किए जा सकते हैं। पेपर रद्द करने की मांग तो तब उठती है जब आपके नियत में खोट हो, और नियत में खोट क्यों न हो, इस बात पर क्यों न सवाल उठे जब आप जांच की मांग करने वालों के ऊपर उंगली उठाने शुरू कर देते हो। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जांच की मांग ही तो की है मगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव प्रचार के लिए गए हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को डांट मिली प्रभारी अरुण सिंह से और वह उठकर भाग गए, अब बोल भी नहीं रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ऐसी 10 डांटे मिले उसे जनता को क्या मतलब है? जनता को मतलब है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने जो मांगे उठाई है, जो सवाल उठाए हैं, उसका जवाब कौन देगा जब आप सिरे से खारिज कर रहे हो अब तक कि पेपर लीक नहीं हुआ था और 20 दिन बाद अब जाकर कोर्ट में कह रहे हो जांच हो रही है कुछ जगह लीक हुआ था। यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर आंदोलन नहीं करते तो फिर सब कुछ दबा दिया जाता, ढक दिया जाता। अब सवाल उठता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जांच की मांग करने पर क्यों भड़क जाते हैं? उन्होंने कहा कि गुलाबचंद कटारिया कहेंगे तो हम मान लेंगे। यह कौन सी बात है? किसी से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? यह मांग नौजवानों के, बेरोजगारों के, छात्रों की है। यह मांग किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सतीश पूनिया कौन होते हैं, अगर देवनानी कहें तो मान लें। अब रोज देवनानी कह रहे हैं कि पराशर से पूछताछ हो, जारोली से पूछताछ हो, माथुर से पूछताछ हो, मगर सरकार का मुंह बंद है। सरकार की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ADG, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप भरोसा रखिए हमें, हम जांच कर रहे हैं। क्या भरोसा रखें, कैसे भरोसा रखें? पहले कह रहे थे कि बत्तीलाल मीणा सरगना है, बत्तीलाल मीणा के मिलते ही सरकार की बत्ती जल जाएगी और रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा, और आज भजन लाल का भजन गा रहे हैं कि भजन लाल मिलेगा तब पर्दाफाश होगा। इसलिए जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। भरोसा क्यों न टूटे? एक नौजवान नेता उपेंद्र यादव अस्पताल में है, आप पुलिस भेज देते हो अस्पताल में उसका अनशन तोड़वाने के लिए, मगर इतने सारे मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किसी को वक्त नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई लड़का, कोई नेता अपनी मांग उठा रहा है तो उससे जाकर बात करें। कौन सी गलत मांग उठा रहा है? क्या इस तरह की मांगे महात्मा गांधी ने नहीं उठाई थी इस तरीके से, या फिर यह क्या अहिंसक मार्ग नहीं है अपनी बात मनवाने की? मगर सरकार का कोई नुमाइंदा जा नहीं रहा है। उपेन यादव की तबीयत लगातार बिगड़ रही है मगर नेता चुनाव में व्यस्त हैं। जीतने की इच्छा, ऐसा मत करिए सिकंदर की तरह कि लौट के घर मत जाइए, हारना हो तो पोरस की तरह हारिए कि दिल जीत लीजिए। अगर उपेन यादव के सामने आप बातचीत कर लेते हैं तो यह हार नहीं, यह जीत होगी और जनता का भरोसा आप में बढ़ेगा। मगर नहीं, इतनी सारी मांगों के बावजूद वह इस बात पर खुश हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मैदान छोड़कर भाग गए हैं और दूसरा अस्पताल में पड़ा है। शहीद स्मारक हम सब के लिए एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर गर्व से सीना तन जाता है, मगर आज हो क्या रहा है? शहीद स्मारक पर शर्म से सिर झुक जा रहा है। छात्र, नौजवान, कर्मचारी सब आंदोलन कर रहे हैं। अब BSCSE वाले
9 दिनों से धरने पर बैठे थे। सरकार के किसी नुमाइंदा को इतना वक्त नहीं मिला कि जाकर उनसे बातचीत करे। छात्राएं हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो आपके हैं। अब 2 दिन से वो भी भूख हड़ताल पर हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं राजस्थान में, यह दिखनी चाहिए। अगर सरकार है तो, अगर जांच हो रही है तो जांच होती हुई दिखनी चाहिए, जांच होती हुई नहीं दिख रही है। जब यह खबर आ रही है कि कई सारे जिलों में रीट पेपर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो किन किन जिलों में लीक हुआ है कम से कम सरकार यही बता दे, क्योंकि छात्रों के बीच एक असमंजस की स्थिति है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में क्या हुआ? वहां तो परीक्षा केंद्र से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वह किस किस के पास गया, कहां कहां पहुंचा, किसने गड़बड़ियां की, इसकी जांच की खबर भी अब तक नहीं आई है। वह जांच कौन कर रहा है यह भी पता नहीं। ऐसे में कैसे और क्यों भरोसा किया जाए? भरोसा किससे करें जब सरकार खुद अपने बचाव में लगी हुई है, तो फिर जनता का बचाव क्या करेगी? कांग्रेस में कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि सरकार किसी भी तरह से अपनी साख बचाने में नहीं, सरकार बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस में 2 नेता हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, जिनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के बीच वो बातचीत कर रही हैं, एक भरोसा दे रही हैं कि कांग्रेस का क्या विजन है। यहां पर भी सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर हैं। कल वह चाकसू जा रहे हैं। चाकसू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण है। वहां पर दलितों को भरोसा देना जरूरी है कि सरकार उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं पिछले 1 महीने में राजस्थान में सामने आई है, निश्चित रूप से उस सरकार के लिए फिर से एक भरोसे पर संकट है जिस सरकार के साथ दलित खड़े रहे हैं। जहां भी घटनाएं हुई है वहां पर पीड़ित दलितों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, दलित छात्राओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, दलित पुरुषों के साथ, जगह जगह पर आंदोलन करने पड़े हैं इंसाफ के लिए। ऐसे समय में सचिन पायलट अगर दलितों के बीच जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच जा रही हैं तो कांग्रेस के लिए भरोसे जगाने वाली बात है, मगर राजस्थान में दूसरी तरफ भरोसा और भी जगह टूट रहा है। कहा जा रहा था कि कोरोना में हमने भारी तैयारी की है, इतने बड़े स्तर पर तैयारी की है कि अब हम तीसरी लहर में, बच्चों के ऊपर खतरा था और बच्चों के लिए पूरी तैयारी कर रखे हैं। हो क्या रहा है? बीकानेर चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, जयपुर देख लीजिए, एक एक बेड पर 3-3 बच्चे हैं, बेड तक नहीं है। और आप कह रहे थे कि हम तैयारियां कर बैठे हैं, मीटिंग दर मीटिंग कर रहे थे। डेंगू ने जिस तरह का कहर ढाया है, यह कोरोना की बात कर रहे थे और डेंगू जांच के किट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, सरकार किस वक्त पर क्या काम कर रही है, यह सरकार को समझना होगा। राजस्थान की सरकार उसी पुराने दिनों में जी रही है, यहां मुफ्त दे दी जाए, वहां मुफ्त दे दिया जाए, यहां बांट दिया जाए, वहां बांट दिया जाए। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या किया जाए, इसके लिए कोई विजन आपने देखा है? वह आपको नहीं दिखेगा। यह इसलिए कि किसी भी तरह से सरकार बचाने की कवायद हो रही है, इसकी वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए वह तैयारियां नहीं हो रही है और जनता भुगत रही है। अब पटवारी भर्ती परीक्षा होने जा रहा है, पिछले बसों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, अब बसें कैसे आएंगी इसके इंतजाम में सरकार लगी हुई है। बसों का अगर भुगतान कर दिए होते तो इस तरह के इंतजाम में नहीं लगना पड़ता। बस वालों को पैसे तक नहीं दिए और वादा कर दिया कि हम मुफ्त ले जाएंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा में आप मुफ्त के इंतजाम पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान बस इतना दीजिए कि पहले भी यह परीक्षा कई बार टल चुकी है, इस बार न टले। किसी तरह से
पेपर लीक ना हो, सरकार के अंदर जो गड़बड़ी है उसे पहचानिए, इधर उधर की बातें करके इधर उधर के लोगों को पकड़ के जनता का ध्यान इधर उधर मत बांटिए। जबकि जो छात्र, जो नौजवान, जो बेरोजगार इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ कीजिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।